हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे यूट्यूब के थंबनेल से देख लिया होगा कि एक और शेंगेन का वीज़ा, इटली का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है। तो फ्रेंड्स, इनका क्या प्रोफाइल था, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या इनकी एज थी, कितना इनके अकाउंट में बैलेंस था और इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनका प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो कोई डालूंगा, उसका अपलोड करूंगा, तो उसका आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इनके प्रोफाइल के बारे में, इनका क्या प्रोफाइल था, किस वजह से इनको जो है इटली का वीज़ा अप्रूव हुआ और इनकी क्या जो है सारी जो फाइलिंग वगैरह कैसे हुई, तो ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पंजाब के जलंधर से बिलोंग करते हैं। उम्र इनकी लगभग 46 ईयर्स ओल्ड है और ये इनका फ्रूट का बिजनेस है फ्रेंड्स, फ्रूट्स का इनका काम है और इनका फ्रेंड्स फुटकर मतलब जैसे एक रिटेल में भी काम है और इनका होलसेल में भी काम है। तो ट्रांजैक्शंस इनकी अच्छी खासी होती थी, इनका करंट अकाउंट में इनका जो है ट्रांजैक्शन होती है और इनका जो सेविंग अकाउंट है वो लगभग डेढ़ साल से इनका सेविंग अकाउंट इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था, लगभग 4.5 लाख रुपये थे और करंट अकाउंट में काफ़ी ट्रांजेक्शन्स होती थी और अच्छी पेमेंट वगैरह बाय चेक भी आते थे, बाय ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी होती थी, तो अच्छा था। इनका जो करंट अकाउंट में जो अमाउंट थी लगभग 1-1.5 लाख रुपए इनके हमेशा पड़े रहते थे और कभी ज़्यादा होते थे, कभी कम होते थे, तो इस तरह से ट्रांजेक्शन्स वगैरह इनकी कम तो मतलब जो है चलती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। उसके अलावा ये मैरिड थे, इनके दो बच्चे हैं और इन्होंने सोलो ट्रैवल मतलब करना है, सोलो के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। उसके अलावा जो इनके जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो फ्रेंड्स कोई 4 कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, ये सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम इन्होंने सिर्फ ट्रैवल किया था। तो इस ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर इनको शेंगेन वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए शेंगेन वीज़ा से रिलेटेड या आपको इटली से वीज़ा से रिलेटेड आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप मेरा नीचे नंबर चल रहा है तो वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो आप वो भी मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको इटली का वीज़ा इशू हुआ तो ये बहुत खुश हैं अब और इन्होंने मुझे मेरे साथ इटली का वीज़ा शेयर किया तो वो मैंने वो थंबनेल पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ITR के बारे में बता देता हूँ। इनकी 3 साल की ITR लगाई गई थी, लगभग 6.5 लाख रुपए की इनकी ITR थी लास्ट वाली और लगभग 5.5 ऐसे लगभग इनकी 3 साल की ITR थी, लगभग 5 लाख से ऊपर थी, ये टैक्स पे करते हैं तो इनकी ITR अच्छी थी, वो भी स्ट्रॉन्ग थी। और इसके अलावा इनकी होटल जो बुकिंग थी वो कन्फर्म्ड थी, पेड नहीं थी, बाकी इन्होंने जो वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ थी वो इन्होंने पेड ली हुई थी, मींस की प्री पेड ली हुई थी और उसको जो है कैंसिल हम कर सकते हैं, जैसे कि वो उसकी कैंसिलेशन एक टाइम था तो उस कैंसिलेशन के हिसाब से इन्होंने एक टाइम के हिसाब से उसको बुक कर रखा था उस एक्टिविटीज़ को, और अगर इनका वीज़ा बाय चांस अगर ना भी आता तो वो उस जो एक्टिविटीज़ है उनको कैंसिल कर सकते थे, जो जैसे कि 24 घंटे या 48 घंटे का टाइम दिया जाता है अगर आप कोई एक्टिविटीज़ बुक करते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ बुक हुई थी और वो अगर वीज़ा अगर इन केस ना भी आता तो ये उसे कैंसिल कर सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं थे। इसके अलावा अगर आप वीज़ा आने के बाद भी अगर वो आप जो एक्टिविटीज़ को कैंसिल करना चाहते हैं तब भी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा होटल का मैंने बता दिया, 7 डेज़ का इनका ट्रिप था और तो ये फ्रेंड्स मिलान में जाएंगे, मिलान से फिर ये बाय ट्रेन पेरिस जाएंगे, तो इस तरह से इनका 4 दिन का लगभग पेरिस का ट्रिप था और 3 दिन का इनका सॉरी 4 दिन का इनका मिलान का ट्रिप था और तीन दिन इन्होंने पेरिस में रुकना था और पेरिस से ही इनकी इंडिया वापसी थी, तो इस तरह से ये इनका टूर था। और बाकी मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं कि 6 महीने की इन्होंने बैंक की स्टेटमेंट लगाई थी और बाकी करंट अकाउंट की भी इन्होंने लगाई थी 6 महीने की, और उसके अलावा ITR इन्होंने 3 साल की लगा दी और मैंने आपको मेरे ख्याल से सारे डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं आपको। इनकी डमी टिकट लगाई गई थी और होटल बुकिंग भी मैंने आपको बता दी है और इंश्योरेंस इन्होंने लगाई थी,
जो 7 days की, वो 7 days की इन्होंने इंश्योरेंस थी। तो फ्रेंड्स यही डॉक्यूमेंट्स थे जो, और डॉक्यूमेंट्स दूसरी जो शेंगेन कंट्रीज को लगते हैं वही डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए थे। तो इनका वीज़ा अप्रूव हो गया है, तो इनको कंग्रेचुलेशन। और फ्रेंड्स मैं एक बार फिर बोलूँगा कि अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो मेरे नंबर पर मुझे कॉल करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूँगा। काफ़ी लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि जो वियतनाम का वीज़ा है, वो वियतनाम का वीज़ा ई वीज़ा जो चालू हो चुका है 16 मार्च से, सॉरी, तो वो जो है उसके वीज़े इशू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीज़े इशू हो रहे हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर के उनका एक वीज़ा इशू हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है, वीज़ा आ रहे हैं, वियतनाम वीज़ा इशू कर रहा है। तो $25 वियतनाम के वीज़े की फ़ीस है, वो पे करके आप जो है, मैंने उसके लिए एक उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है वियतनाम का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और वीज़ा अपना वियतनाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।